नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्लेवर फेस्ट में। और आज की जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं उसका नाम है छोले भटूरे। जी हाँ, ऐसे ही डिलीशियस और बाजार से कहीं ज़्यादा अच्छे छोले भटूरे हम बनाने वाले हैं। भारत में बहुत पसंद की जाने वाली रेसिपी है ये, और आज हम आपको बताएंगे घर पे ही कैसे बनाएं। ये छोले हमने रात को भिगो के रख दिए थे, अब इन्हें कुकर में उबलने के लिए चढ़ा देंगे और साथ ही साथ इसमें डालेंगे हल्दी 1 से 1.5 चम्मच और 1 से 1.5 चम्मच ही नमक, ताकि ये उबलते समय छोलों के अंदर रम जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुकर में 2 सीटी तेज गैस पे लगाएंगे और उसके बाद आधे घंटे तक धीमी आंच पे पकाएंगे। छोले उबल के तैयार हैं और अब हम देखिए उसे किसी और बर्तन में निकाल लेंगे और इस कुकर में डालेंगे तेल थोड़ा सा और इसमें थोड़ी अजवाइन, थोड़ा जीरा, ये देखिए डाल दिया है, और 3-4 तेज पत्ते भी डाल देंगे। अब डालेंगे हम प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का जो पेस्ट, ये हमें मिक्सी में बना लेना है। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, उसके बाद डालेंगे ये टमाटर का पेस्ट। ये देखिए टमाटर का पेस्ट हमने डाल दिया है और इसे पकाएंगे बिल्कुल आराम आराम से एंजॉय करते हुए। अब ये थोड़ा पक चुका है मसाला, अब इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर 1 से 1.5 चम्मच और पिसा हुआ धनिया, और 2 चम्मच डाल देंगे इसे। नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले उन छोलों में डाल दिया था, हल्दी भी डाल दी थी, और थोड़ी सी स्वाद के लिए, कलर के लिए देगी मिर्च हम डाल देंगे इसमें, ताकि जो ग्रेवी का कलर है वो मज़ेदार और सुनहरा कलर आ जाए। थोड़ा सा किचन किंग भी आप डाल सकते हैं, हमने डाला है, आप अगर पसंद करते हैं तो डाल लीजिए, बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। और अब सिम आँच पे इसको कुकर में पकने के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए मसाला कितना मज़ेदार, फ्लेवर कितना अच्छा दिख रहा है इस मसाले का। तेल छोड़ना शुरू कर दिया है मसाले ने, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और ये जो हमने छोले लिए थे ये अब इस मसाले में डालेंगे और उस खुशबू को एंजॉय करते रहेंगे। ये देखिए ये छोले हमने डाल दिए हैं और वो जो पानी था जिसमें उबाले थे वो भी डाल दिया। अब देखिए कितनी शानदार और कितनी मज़ेदार, कितनी खुशबूदार, कितनी टेस्टी ये ग्रेवी बनी है, और छोलों का स्वाद दोगुना हो गया है। ऐसे घरेलू मीडियम से मसालों के साथ ही अब इसे देखिए ढक देंगे, थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे और पकने देंगे इन छोलों को। ये छोले 15 से 20 मिनट बाद पक के तैयार है और अभी इसमें डाल देंगे ये खुशबूदार हरा धनिया, जो स्वाद को दोगुना कर देगा, यानी सोने पे सुहागा। इसे मिक्स कर देंगे ताकि इस सब्जी के अंदर धनिया का जो एक खुशबूदार फ्लेवर है वो आ जाए। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ऐसी ही लाजवाब रेसिपीज के लिए। कुकर को हमने बंद कर दिया है, अब ये आटा हमने लगाया है। आटे के लिए हमने मैदा लिया है, थोड़ी सी दही और नमक ये पहले लगा के रख लिया था, और साथ में इसमें डाल देंगे तीनों, ताकि हमारे जो भटूरे हैं वो फूले फूले बने। ये सुगंधित टेस्टी लजीज छोले बनके तैयार हैं और बाउल में डाल लिए हैं, और इसके साथ ही हम फूले हुए बाजार से कहीं ज़्यादा अच्छे भटूरे बनाते हैं। ये भटूरे के लिए छोटी सी लोई हमने बना ली है, कोल कर लिया है उसे, उस पर थोड़ा सा तेल लगाया है और कढ़ाई में तब तक तेल गर्म हो रहा है, इसे बेल लेंगे।
जितना पतला आप पसंद करें उतना बेच सकते हैं। ये देखिए भटूरा बनके तैयार हो चुका है और अब इसे तेल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। ये देखिए कितना मज़ेदार फूला फूला और टेस्टी भटूरा बनके तैयार है। बाजार में आपको मिल जाएंगे मगर इससे अच्छे नहीं मिलेंगे, जो घर का स्वाद है घर का ही होता है दोस्तों, सेहत के लिए नुकसानदायक भी नहीं है। ऐसे तो ही छोले भटूरे चना भटूरा आप भी एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार के साथ मज़ा लीजिए इस खूबसूरत